प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विधानसभा 5 में एक बार फिर से बड़ी सौगात दी गई है, जहां बाइट क्रमांक 47 में स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन का भूमि पूजन किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। विधानसभा 5 के बाइट क्रमांक 47 में MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया के नेतृत्व में विधायक महेंद्र हाइडिया और पूर्व राज्यपाल VS कोकजे द्वारा रेस कोर्स रोड पर स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बाइट अध्यक्ष अजय श्रा समेत रेस कोर्स रोड रहवासी संघ से जुड़े तमाम स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। देखिए ये 270 मीटर की लाइन है, स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन, वो लगभग 27 लाख रुपए की लागत से ही तैयार होगी। ये विशेष प्रयास यहाँ के सक्रिय पार्षद MIC सदस्य श्री नंद किशोर पहाड़िया द्वारा किया गया है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बड़ी संख्या में रहवासी भी यहाँ पर उपस्थित है, श्रद्धे कौगे साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए मैं इस काम का लिए भाई पहाड़िया जी को बधाई देता हूँ। देखिए हमारे शहर में ही लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, लगातार महापौर जी के नेतृत्व में, हमारे क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक जी के नेतृत्व में आज रेसकोर्स रोड पर ये स्टाम्प वाटर का भूमि पूजन किया गया, जिसमें हमारे पूर्व राज्यपाल कोकजे साहब भंडारी साहब की उपस्थिति में उनके द्वारा ये भूमि पूजन किया गया। और ऐसे ही लगातार हमारे पूरे वार्ड में ही नहीं, शहर भर में सभी विकास की गंगा बहा रहे हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव में हम हमारे वार्ड में अधिक से अधिक मतों से हम विधायक जी को जिताएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विधानसभा 5 में एक बार फिर बड़ी सौगात दी गई है, जहां बाइट क्रमांक 47 में स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन का भूमि पूजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।